इस वक्त हम लखनऊ के ताज होटल में हैं, जहाँ पर राम अयोध्या की रामलीला का सम्मान समारोह चल रहा है और हमारे बीच में जगत गुरु दिनेशाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं, जो कि इस रामलीला में शुरू से जुड़े हुए। उनसे हम जानेंगे कि रामलीला के बारे में, क्योंकि दो साल जो रामलीला वो काफ़ी लॉकडाउन रहा, वो कोरोना का काल रहा, इस बार रामलीला का किस तरीके से मंचन हो गया। गुरु जी, आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, ये जो रामलीला दो साल तो ही, इस बार तीसरा साल है, आपकी आपको क्या उम्मीद है इस वक्त रामलीला कैसी होगी? देखिए, रामलीला का अर्थ ये है कि लोग उससे अधिक से अधिक जुड़ सकें, क्योंकि महामारी थी, दो साल लोग नहीं जुड़ पाए, पर अब की बार अयोध्या की जनता और उसके साथ साथ पूरा देश लाइव के प्रसारण के माध्यम से देखता है, तो ये बहुत अच्छी बात अब की और सुखद बात है कि जब कलाकार उस भूमिका में हो और सामने बैठे हुए व्यक्ति में उस भूमिका को निभाने वाला व्यक्ति उनके हृदय में स्थापित कर सके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि दो वर्ष के बाद जो अब की तीसरी बार का है, ये बहुत ही दिव्य रामलीला होने वाली है और ये आम जन तक बहुत सहजता से पहुँचाने का सुगम मार्ग है। मुझे इस बार अंदाज़ा लगा, जो आयोजक हैं जैसे पारिक जी, बॉबी पारिक जी, उनका कहना है कि अभी और भी बड़े कलाकार इसमें एंटर हैं, तो उसमें कुछ कलाकार ऐसे भी होंगे, तो उनके बारे में आप कुछ बताएँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉबी जी के हृदय में भगवान राम और उनकी लीला के प्रति अगाध प्रेम है, तो उन्हें लगता है कि अच्छे से अच्छे जो कलाकार हैं, जो जाने माने लोग हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनको भारत ही नहीं अभी पूरे विश्व में जाना जाता है, जब वो राम जी के किरदार में पूरी तरह से नपे तुले और बिल्कुल रमे हुए लोग जब रामलीला, क्योंकि राम जी का जो व्यक्तित्व है बहुत महान है, मानो राम के व्यक्तित्व के करीब भी नहीं पहुंच सकता है, पर उसको निभाना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण का कार्य है। आप जानते हैं कि अरुण गोविल जी ने उसको निभाया तो आज कितनी पोस्टर बन गए और घर घर में लोगों के दिलों में वो भगवान के रूप में माने जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस लीला को जीवंत करके और उनके हृदय में पहुंचा देना। तो बाबी मलिक जी जो एक कार्य कर रहे हैं, वो अच्छे लोगों को चुनने का प्रयास करते हैं, जो बहुत नपे तुले नपे सधे हों और राम का व्यक्तित्व भी जिनमें थोड़ा सा दिखाई पड़ता हो, तो ऐसे लोग की बार लीला में आएंगे और उसमें चार चांद लगाने का काम करेंगे। इस बार का अनुमान लगाया जा रहा है कि रामलीला के 50 करोड़ लोग हैं, क्योंकि पिछले हर साल ये बढ़ा है, 16 करोड़ था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर 22 करोड़। इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है, लॉकडाउन भी खत्म होगा, कोरोना भी खत्म होगा, तो दर्शकों के बारे में? हाँ, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया राम जी के बारे में जानना चाहती है। राम ऐसे किरदार हैं जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर हैं, और एक आपको मानव बनना है, आप किसी भी धर्म और संप्रदाय से हैं, आप प्रेम तो जानते ही हैं, तो अगर मानवता की बात की जाए तो पूरी दुनिया में एक ऐसा चरित्र केवल राम जी का जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है, तो 50 करोड़ 100 करोड़ की संख्या ये पहुँचेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और पूरी दुनिया राम जी के व्यक्तित्व और अस्तित्व को देखना चाहती है। ये थे हमारे साथ जगत गुरु दिनेशाचार्य जी महाराज, जिनका मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के किरदार और चरित्र को देखने के लिए इस बार पूरी दुनिया से दर्शक जुड़ेंगे और ये संख्या मिलियन में जाएगी। अभी तक जैसे 16 करोड़ 22 करोड़, तो इस बार 50 करोड़ 100 करोड़ हो सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ खुर्शीद खान, राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।